हेलो स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 4 थर्मोडायनेमिक्स के ये पार्ट 2 में आज हम देखने वाले हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। लास्ट यानी पार्ट 1 में हमने देखा था कि व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल इक्विलिब्रियम और इंटरनल एनर्जी को, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। फिर थर्मोडायनेमिक सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है, मैंने बहुत यहाँ पे 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इसको देखने से पहले हम देखने वाले हैं कि उसके बेसिक कंसेप्ट को देखेंगे और फिर उसके तरफ जाएंगे, ओके। तो देखो, थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए अब हम कंसिडर करेंगे, सपोज देयर इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या है? ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट है, ओके। दिस इज नोन एज ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, या इट इज़ ऑल्सो नोन एज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ग्रुप बोलो या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। दे कैन फॉर्म यूनिट, दैट इज़ दे क्या फॉर्म कर रहा है? यूनिट फॉर्म कर रहा है, ठीक है। और इसमें ये यूनिट की एबिलिटी क्या है? तो यूनिट में एक क्षमता है कि इट कैन एक्सचेंज द एक्सचेंज, यहाँ पे मैं लिखती हूँ इसलिए डबल एरो दिया है, एक्सचेंज कर रहे हैं। एक्सचेंज करने की उनमें एबिलिटी रहती है। क्या एक्सचेंज करने की? एनर्जी, एनर्जी को एक्सचेंज करने की एबिलिटी रहती है। और एनर्जी कहाँ एक्सचेंज करती है? विथ सराउंडिंग, ओके। किसको एक्सचेंज कर रहा है यूनिट? तो सराउंडिंग को एक्सचेंज कर रहा है। क्या एक्सचेंज कर रहा है? एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है, ठीक है, समझ में आया। तो सपोज़ कहिए एक कलेक्शन ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट है, इट फॉर्म्स यूनिट। क्या फॉर्म कर रहा है? यूनिट फॉर्म कर रहा है। इट हैज़ अ एबिलिटी टू एक्सचेंज द एनर्जी। अब उसमें क्या है? एबिलिटी है टू एक्सचेंज द एनर्जी। एनर्जी किसको एक्सचेंज कर रहा है? विद द सराउंडिंग। तो दिस इज़ नोन एज थर्मोडायनेमिक सिस्टम। इसको क्या बोलेंगे हम? थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ओके। थर्मोडायनेमिक सिस्टम की डेफिनेशन फिर समझ में आ गई क्या है? तो देखो, हमने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखा ही है। अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज अ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट कैन फॉर्म ए यूनिट। क्या फॉर्म कर रहा है? यूनिट विच मे हैव एबिलिटी टू एक्सचेंज एनर्जी विथ इट्स सराउंडिंग। उसमें क्या एबिलिटी है? टू एक्सचेंज एनर्जी विथ इट्स सराउंडिंग, ओके। तो इसके लिए एक आपको सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ कि सपोज़ कीजिए एक वेसल है, दिस इज़ वेसल, ठीक है। तो वाटर इज़ केप्ट इन अ वेसल, इसमें क्या है? वाटर है, ठीक है। तो ये क्या बन गया है? दिस इज़ नोन एज सिस्टम। इसको क्या बोलेंगे फिर? सिस्टम, ठीक है। अब ये वेसल है, इसको ये क्या है? दिस इज़ नोन एज, ये वेसल को क्या है? बाउंड्री, ठीक है। तो दिस इज़ द बाउंड्री, ये वेसल की ये क्या है? बाउंड्री है, ठीक है। एंड ये वेसल कहाँ पे रखा है? एक एटमॉस्फियर में रखा है। तो दिस एटमॉस्फियर अराउंड इट इज कॉल्ड एज इट्स सराउंडिंग, ठीक है। जो एटमॉस्फियर उसके आजू बाजू में है उसको क्या बोलते हैं? सराउंडिंग। समझ में आया क्या है फिर? सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री, ये तीन आपको समझ में आया कि नहीं? कि सिस्टम मीन्स क्या है? कि हम लेंगे एक वेसल, उसमें क्या है? वाटर है, ठीक है। तो ये क्या बन गई है? दिस इज़ नोन एज सिस्टम, ठीक है। अब ये वेसल की जो वेसल है उसकी ये क्या है? बाउंड्री, ठीक है। तो अब वेसल की ये बाउंड्री है और ये वेसल कहाँ पे रखा है? एटमॉस्फियर पे रखा है। तो ये एटमॉस्फियर, उसके अराउंड का जो एटमॉस्फियर है उसको क्या बोलेंगे हम? सराउंडिंग, ठीक है। तो ये यहाँ तक आपको समझ में आया थर्मोडायनेमिक सिस्टम यानी क्या? थर्मोडायनेमिक सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स है? सिस्टम है तो बाउंड्री भी है और सराउंडिंग भी है, ठीक है। सराउंडिंग, बाउंड्री और सिस्टम आपको समझ में आया? तो यही लिखा है हमने, देखो यहाँ पे, कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज़ अ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट कैन फॉर्म अ यूनिट विच मे हैव एबिलिटी टू एक्सचेंज एनर्जी विथ इट्स सराउंडिंग, ओके।
समझ में आया होगा अब आपको। तो ये सरफेस सेपरेटिंग द सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग इज द बाउंड्री। जो सरफेस सेपरेट हो रहा है सराउंडिंग से सिस्टम से, तो उसको क्या बोल रहा है, बोलते हैं बाउंड्री। अब वही एग्जांपल है जो मैंने यहाँ पे आपको पहले बताया है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सिस्टम है, ये बाउंड्री है। बाउंड्री का उपयोग क्या है, बाउंड्री यानी क्या है, तो जो सरफेस सेपरेट हो रहा है सिस्टम से, उसको क्या, वो सेपरेट कर रहा है सिस्टम को, तो उसको क्या बोलते हैं, बाउंड्री। हम देख सकते हैं, हमको तो ये मालूम ही है, तो बाउंड्री ये हमारी बाउंड्री है, हम लोग ऐसा बोलते हैं। बाउंड्री यानी बस सेपरेशन, ठीक है। तो सरफेस सेपरेटिंग द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग इज कॉल्ड अ बाउंड्री। और सराउंडिंग आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये क्या है, पूरा सराउंडिंग है। ओके ठीक है, समझ में आया। तो थर्मोडायनेमिक्स, अब ये जो सिस्टम है, इट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एंड मैटर टू द एनवायरनमेंट। तो इसे सिस्टम को अब क्लासिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एंड मैटर टू द सराउंडिंग। तो क्या है, कितने ग्रुप में उसको क्लासिफाइड करेंगे, देखेंगे हम आगे। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो अब हम देखना है, आपको देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो डिपेंडिंग अपॉन द ट्रांसफर ऑफ हीट एंड मैटर टू द सराउंडिंग, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम भी बोल सकते हैं। थर्मोडायनेमिक सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इंटू थ्री ग्रुप्स, ऐसा बोलेंगे। थर्मोडायनेमिक सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इंटू थ्री ग्रुप्स। फर्स्ट वन इज नोन एज ओपन सिस्टम, सेकंड वन इज नोन एज क्लोज सिस्टम एंड थर्ड वन इज नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम। अब नाम पर से आपको समझ में आया होगा, ओपन सिस्टम यानी क्या है, क्लोज सिस्टम क्लोज है, ठीक है, और आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे हमने एखादे वेसल में, ओपन सिस्टम यानी क्या, हमने अगर वेसल में बॉईल करने के लिए वाटर रख दिया है और इट इज़ ओपन टू द एटमॉस्फियर, सो दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज़ नोन एज ओपन सिस्टम। और अगर हम, आपको मालूम है कोई भी बॉयलर आप लेते हो विच इज़ क्लोज और इनसाइड, उसके इनसाइड क्या है, वाटर है, और उसको अगर बॉईल करते हो तो ये क्या बन गई है, अपनी क्लोज सिस्टम। और आइसोलेटेड सिस्टम यानी क्या है कि ये एक सील सिस्टम है, सील्ड यानी पैक सिस्टम है, ठीक है, सील्ड बोल सकते हो, पैक सिस्टम बोल सकते हो। हियर एक्सचेंज ऑफ हीट कैन नॉट बी पॉसिबल। तो जो अपना थर्मोस रहता है, थर्मोस में हम टी रखते हैं, चाय रखते हैं, सो दैट इट कैन बी हॉट फॉर अ longer टाइम, longer टाइम के लिए वो गर्म रहती है। तो यानी क्या है, वहाँ पे हीट का एक्सचेंज ही नहीं होता है। तो दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। तो समझ में आया, थर्मोडायनामिक सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इंटू थ्री ग्रुप्स। फर्स्ट वन इज ओपन सिस्टम, सेकेंड वन इज क्लोज सिस्टम एंड थर्ड वन इज आइसोलेटेड सिस्टम। ओके तो वन बाय वन हर एक को देखेंगे, ओपन सिस्टम मीन्स क्या है, उसकी क्या डेफिनेशन है, उसका एग्जांपल देखेंगे, और क्लोज क्या देखेंगे, फिर आइसोलेटेड का देखेंगे। चलो फिर वन बाय वन देखते हैं। ओपन सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है, ओपन सिस्टम यानी क्या है, तो यहाँ पे ये स्कीमेटिक डायग्राम है, रिप्रेजेंटेशन है ये डायग्राम का। यहाँ पे हम सिंपली एग्जांपल लेंगे, फिर इसके बाद में इसकी डेफिनेशन देखेंगे। अब सिंपल एग्जांपल ओपन सिस्टम के लिए आप ले सकते हो कि सपोज़ करो कि ये हमने एक केटल ली है, ठीक है, तो उसमें क्या रखा है, वाटर रखा है, ठीक है, एक चाय की केतली ली है और उसमें क्या रखा है, वाटर रखा है अंदर बॉईल होने के लिए। ये क्या है, ओपन है, ऊपर से उसको ओपन रखा है हुए। या आप सिंपल से वेसल ले लो, एक वेसल ले लो, उसमें क्या लिया है, वाटर लिया है और उसको गर्म करने के लिए रखा है हमने, ठीक है, तो गर्म करने के लिए रखा है और उसका जो ये एंड है ये कैसा है, ओपन है। ओके ओपन है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे वाटर जैसे बॉईल होगा तो हीट क्या होगी, हीट एस्केप्स इनटू द एयर, ठीक है। तो यहाँ पे हीट क्या हो रही है, हीट एस्केप्स यानी बाहर निकल रही है, हीट एस्केप्स इनटू द एयर एंड देर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी विद द सराउंडिंग। इसलिए ये एनर्जी क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रही है विद द सराउंडिंग। दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज नोन एज ओपन सिस्टम, इसको क्या बोलेंगे फिर, ओपन सिस्टम।
ओके ये सिस्टम को क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम यानी क्या है, इट फ्रीली अलाउज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इट अलाउज, यानी मेन आपको याद क्या रखना है डेफिनेशन में, इट अलाउज कैसा अलाउ करते हैं, फ्रीली, फ्रीली अलाउज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। ठीक है, इट फ्रीली अलाउज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, किसको, किससे एक्सचेंज कर रही है, विथ सराउंडिंग, विथ सराउंडिंग। ओके, तो समझ में आया ओपन सिस्टम यानी क्या है। एन ओपन सिस्टम इज अ सिस्टम दैट फ्रीली अलाउज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, और सिर्फ एनर्जी नहीं एंड मैटर भी, एंड मैटर। ठीक है, एनर्जी तो एक्सचेंज कर रहा है एंड मैटर विथ इट्स सराउंडिंग। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे जो स्टीम है एस्केप होगी इनटू द एयर, वो तो है ही, और हीट भी क्या हो रही है, एक्सचेंज, एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है। समझ में आया क्या, ये वाटर बॉइल हो रहा है इन द किटल या वेसल। ठीक है, ये कौन सी सिस्टम है, ओपन सिस्टम है। ओके, तो ओपन सिस्टम है तो हीट क्या हो रही है, हीट एस्केप हो रही है। ठीक है, इनटू द एयर, एयर में हीट एस्केप हो रही है। ठीक है, और ये जो है दिस इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है विद द सराउंडिंग। एक्सचेंज हो रही है, क्या एक्सचेंज हो रही है, एनर्जी एक्सचेंज हो रही है विद द सराउंडिंग। ओके, ठीक है, और एट द सेम टाइम स्टीम भी एस्केप हो रही है। ठीक है, इनटू द एयर, तो सो वी से दैट देयर इज एक्सचेंज ऑफ मैटर इन द सराउंडिंग। मैटर क्या है फिर, स्टीम जो है वो मैटर है। ओके, तो समझ में आया, एनर्जी भी एस्केप हो रही है और स्टीम भी, स्टीम यानी मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है सराउंडिंग में। तो ओपन सिस्टम क्या है, एन ओपन सिस्टम इज अ सिस्टम दैट फ्रीली अलाउज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर विथ इट्स सराउंडिंग। ओके, समझ में आया, क्या अलाउ करती है, फ्रीली अलाउज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और एंड मैटर विद द सराउंडिंग। ओके, ठीक है, समझ में आया। अब पढ़ेंगे यही डेफिनेशन, एंड यहाँ पे मैंने लिखा है एन ओपन सिस्टम इज अ सिस्टम दैट फ्रीली अलाउज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, एक्सचेंज किसका है, एनर्जी एंड मैटर विद इट सराउंडिंग। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये ओपन सिस्टम है, ये जो ब्लू बॉक्स है इट इज़ ओपन सिस्टम, और क्या एक्सचेंज कर रहा है, और आजू बाजू में क्या है, सराउंडिंग है। यहाँ पे लिखना चाहिए था सराउंडिंग। ठीक है, सराउंडिंग में क्या एक्सचेंज कर रहा है, हीट एंड मैटर, हीट भी एक्सचेंज कर रहा है, मैटर भी एक्सचेंज कर रहा है। तो समझ में आया ओपन सिस्टम यानी क्या है। ओके, तो ये यही मैंने सब लिखा है, आप लगे तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यही अपनी नोट्स है। आगे जाएंगे तो यहाँ पे हमने एग्जांपल जो देखा था वही मैंने वो एग्जांपल लिखा है। ओके, तो अब देखेंगे सेकंड टाइप, क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम यानी क्या है, जैसे हमने यहाँ पे कंसिडर करना है एक बॉयलर है, वाटर बॉयलर है। ठीक है, यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे वाटर बॉयलर। अब क्लोज सिस्टम क्या है, तो अगर हम एक बॉयलर को कंसिडर करते हैं, सपोज दिस इज़ अ वाटर बॉयलर, एक ऐसा बॉयलर है, अंदर क्या है, वाटर है विच इज़ क्लोज, एंड सपोज़ कीजिए यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, उसको हीट दे रहे हैं। ओके, तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे वाटर बॉयल हो रहा है इन अ बॉयलर, दिस इज़ नोन एज द क्लोज सिस्टम, या इसको क्या बोलेंगे, क्लोज सिस्टम। ओके, क्लोज सिस्टम बोलेंगे, और ये क्या कर रही है, हीट को तो अलाउ कर रही है। ठीक है, टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सोर्स, सोर्स यानी क्या है अपना, ये सपोज गैस बर्नर है, ये अपना बर्नर है, ये बर्नर जहाँ से हीट उसको मिल रही है, इट इज़ नोन एज सोर्स, दिस इज़ नोन एज सोर्स। ठीक है, तो ये इट अलाउज हीट टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट, और बर्नर बोल सकते हैं, टू द वाटर, ये अलाउ कर रही है वाटर में हीट को आने के लिए, यहाँ पे अंदर क्या है, वाटर है। ठीक है, अलाउ कर रही है इनसाइड आने के लिए। ठीक है, और हीट इज़ आल्सो ट्रांसफर टू द सराउंडिंग, अब ये गर्म हो रहा है तो बाहर भी हीट, अगर ये क्लोज भी है तो भी गर्मी तो पैदा करेगा ही, तो हीट इज़ आल्सो ट्रांसफर टू द सराउंडिंग, हीट ट्रांसफर करेगा टू द सराउंडिंग। ओके, ये समझ में आया। फिर तो अब यहाँ पे क्या है, जो स्टीम क्रिएट होगी, स्टीम तैयार होगी, वो अलाउड नहीं है बाहर जाने के लिए, इसको परमिशन नहीं है बाहर जाने के लिए, इट इज़ नॉट
अलाउड टू इस्केप जब तक के इस्केप इनटू द सराउंडिंग जब तक के यहाँ पे एक वॉल रहता है, अगर जब तक वो वॉल नहीं खुलते हैं तब तक के हीट को अलाउ नहीं किया जाता है सराउंडिंग के लिए जाने के लिए, स्टीम नहीं जा सकती है यहाँ से, ओके। जब ये वॉल ओपन करेंगे तभी हीट, ये जो स्टीम है वो एस्केप होगी सराउंडिंग में, ठीक है। यानी मैटर इज़ नॉट अलाउड, दैट इज़ इन क्लोज सिस्टम। अब स्टीम को अलाउड ही नहीं है तो देयरफॉर इन अ क्लोज सिस्टम जो है तो इट अलाउज द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और हीट ट्रांसफ़र अलाउ करेगी, यानी अलाउज हीट बोल सकते हैं या एनर्जी टू बी ट्रांसफर्ड। ट्रांसफर ऑफ हीट अलाउड है बट डू नॉट अलाउज एक्सचेंज ऑफ मैटर, और ऐसा बोल सकते हैं कि अलाउड नहीं कर रहे टू इस्केप ऑफ मैटर, मैटर को अलाउ नहीं कर रही है। ओपन में दोनों भी बाहर इस्केप हो रहे थे, मैटर एंड एनर्जी, बट इन क्लोज सिस्टम हीट इज़ अलाउड टू बी ट्रांसफर बट देयर इज़ नो ट्रांसफर ऑफ मैटर, दैट इज़ मैटर क्या है यहाँ पे, स्टीम अलाउड नहीं है बाहर इस्केप करने के लिए, स्टीम को अलाउड नहीं है, परमिशन नहीं है, ठीक है। तो क्लोज सिस्टम समझ में आया क्या, कि क्लोज सिस्टम की डेफिनेशन क्या बोलेंगे फिर, ए क्लोज सिस्टम डज नॉट अलाउ द एक्सचेंज ऑफ मैटर, मैटर एक्सचेंज करने के लिए परमिशन नहीं है, डज नॉट अलाउ द एक्सचेंज ऑफ मैटर बट अलाउज क्या अलाउ है, सिर्फ एनर्जी और हीट ट्रांसफर, ठीक है। समझ में आया, फिर हीट ट्रांसफ़र हो सकती है बट मैटर इज़ नॉट ट्रांसफ़र, मैटर यानी स्टीम ट्रांसफ़र नहीं कर सक होती है, ठीक है। स्टीम इज़ नॉट अलाउड टू इस्केप, स्टीम इस्केप होने के लिए अलाउड नहीं है, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज़ नोन एज क्लोज सिस्टम, ओके। क्लोज सिस्टम समझ में आया, देखेंगे अब क्लोज सिस्टम की यहाँ पे आपको डेफिनेशन दिखाई दे रही है। अ क्लोज सिस्टम डज नॉट अलाउ, ये इम्पोर्टेंट है, डज नॉट अलाउ द एक्सचेंज ऑफ मैटर, किसको अलाउ नहीं करती, मैटर को अलाउ नहीं करती बट अलाउज एनर्जी टू बी ट्रांसफर, एनर्जी को अलाउ करती है। तो यहाँ पे हीट बाहर निकल रही है, दैट इज़ एनर्जी जो है अलाउड है सराउंडिंग के लिए जाने के लिए, बट जो स्टीम है, स्टीम यानी क्या है, मैटर इज़ नॉट अलाउड, मैटर अलाउड नहीं है, ठीक है। समझ में आया, फिर क्लोज सिस्टम, ओके। फिर तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसका एग्जांपल जो हमने देखा था वही एग्जांपल है यहाँ पे, ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे थर्ड टाइप ऑफ सिस्टम, इट इज़ नोन एज एन आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम के लिए एकदम से बेस्ट एग्जांपल है अपना थर्मोस फ्लास्क का, ठीक है। जो थर्मोस फ्लास्क हम यूज़ करते हैं टू कीप द जो अपने कंटेंट है, वाटर है या टी है, एज इट इज़ रखने के लिए, जैसे अगर यहाँ पे हॉट टी आपने गर्म चाय अगर ये थर्मोस में भर दी तो क्या होता है कि वो वैसे के वैसे ही रहती है, दैट इज़ क्या है, देर इज़ नो हीट इज़ ट्रांसफर्ड और हीट कैन नॉट बी एक्सचेंज और मैटर भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे, और हीट भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है, हीट एज वेल एज हीट बोल सकते हो या एनर्जी भी बोल सकते हो आप, एनर्जी एज वेल एज मैटर डज नॉट अलाउ टू ट्रांसफ़र इनटू द सराउंडिंग में ट्रांसफ़र होने के लिए अलाउड नहीं है। अब मैटर यानी स्टीम है, आपको याद रखना है ये, ठीक है। तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, फिर ये ऐसी सिस्टम है विच इज़ कम्प्लीटली सील्ड, पैक है, सील्ड है, ठीक है, सील्ड है, और यानी क्या हो गई है वो आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट, जो यानी बाहर के वातावरण से एकदम अलग रखी गई है, सील की गई है, ठीक है, सील्ड है ये सिस्टम, ओके। तो यहाँ पे मैटर भी बोल सकते हैं यानी स्टीम, मैटर एज वेल एज हीट कैन नॉट बी एक्सचेंज विद इट्स सराउंडिंग, ठीक है, समझ में आया। और एग्जांपल किसका है यहाँ पे, एग्जांपल ऑफ थर्मोस फ्लास्क,
इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर आइसोलेटेड सिस्टम. ओके, तो आइसोलेटेड सिस्टम आपको समझ में आया होगा. फर्स्ट ओपन में दोनों भी अलाउड है, हीट एंड मैटर अलाउड है. क्लोज में ओनली हीट दैट इज़ एनर्जी इज़ अलाउड बट मैटर इज़ नॉट अलाउड. और आइसोलेटेड में दोनों को भी अलाउड नहीं है बाहर एक्सचेंज होने, दैट इज़ एनर्जी एज वेल एज मैटर डज नॉट अलाउड. ओके, तो यही यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है. एंड आइसोलेटेड सिस्टम इज़ कम्प्लीटली सील्ड. कैसी है? कम्प्लीटली सील्ड दैट इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट एंड मैटर एज वेल एज हीट कैन नॉट बी, मैटर तो है ही एज वेल एज हीट कैन नॉट बी अलाउ एक्सचेंज विथ इट्स सराउंड एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट के लिए अलाउड नहीं है एक्सचेंज होना हीट एंड मैटर को. ठीक है, तो आइसोलेटेड सिस्टम यानी ऐसे सील्ड सिस्टम हमको दिखाना है. दिस इज आइसोलेटेड सिस्टम. ओके, समझ में आया? तो इसका यही सब मैंने जो बोला वो ही यहाँ पे लिखा है. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. यही एग्जांपल है जो मैंने थर्मोस फ्लास्क का दिया है, वही एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, तो ये यहाँ तक आपको समझ में आया. तो अब देखते हैं थर्मोडाइनमिक प्रोसेस यानी क्या है. थर्मोडाइनमिक प्रोसेस मीन्स क्या है उसको देखेंगे डिटेल में. थर्मोडाइनमिक प्रोसेस में हम देखने वाले हैं कि इट इज़ अ स्टेट ऑफ अ सिस्टम विच इज़ चेंज. जो स्टेट है थर्मोडाइनमिक स्टेट है, थर्मोडाइनमिक स्टेट है प्रोसेस यानी क्या है. इट इज़ द थर्मोडाइनमिक स्टेट दैट कैन बी इजीली चेंज हो सकती है, दैट कैन बी चेंज. ठीक है, तो इट इज़ नोन एज थर्मोडाइनमिक प्रोसेस. यानी थर्मोडाइनमिक प्रोसेस क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच थर्मोडाइनमिक स्टेट इज़ चेंज. ठीक है, अब स्टेट कैसा चेंज होता है? तो स्टेट यानी हमको मालूम है सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस आर द थ्री स्टेट्स. ठीक है, तो जहाँ पे ये स्टेट्स चेंज होते हैं दैट इज़ द नोन एज थर्मोडाइनमिक स्टेट चेंज होती है सिस्टम की, दैट इज़ नोन एज अ थर्मोडाइनमिक प्रोसेस. सो थर्मोडाइनमिक प्रोसेस यानी क्या है? अ थर्मोडाइनमिक प्रोसेस इज़ अ प्रोसेस इन विच थर्मोडाइनमिक स्टेट इज़ चेंज. थर्मोडाइनमिक स्टेट क्या होती है? चेंज होती है. उसके लिए हम कंसिडर करेंगे अगेन एक वेसल है, उसमें क्या है, सपोज देर इज़ अ वाटर इनसाइड द वेसल. यहाँ पे क्या है? वाटर है. ओके, वाटर है इनसाइड द वेसल एंड अब इसको क्या करेंगे, फिर से हीट करेंगे, वाटर को हीट करेंगे, ये वेसल को हीट करेंगे. तो वाटर क्या होना शुरू करेगा? वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग. ठीक है, वाटर क्या करेगा? बॉइलिंग करेगा आफ्टर सम टाइम एंड सो दैट क्या तैयार होगा, यहाँ पे स्टीम इज़ प्रोड्यूस. यहाँ पे क्या निकलेगी? स्टीम. ठीक है, स्टीम इज़ प्रोड्यूस और स्टीम इज़ रिलीज, ऐसा भी बोल सकते हैं एक्सटर्नली. ठीक है, तो अब क्या होगा, ये हो गया. अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे विदाउट लीड है पहले, ये हो गया. अब क्या करेंगे, वाटर स्टार्ट हो गया बॉइलिंग, स्टीम भी निकल गई बाहर, स्टीम तैयार हो गई. अब इसके ऊपर हम एक लीड रखेंगे. ठीक है, यानी उसको कवर कर देंगे, कवर बोलेंगे या और लीड करेंगे, लीड रखेंगे. ठीक है, अब वाटर बॉइलिंग होगा, अब ये स्टीम बाहर निकल नहीं सकती है. ठीक है, तो ये क्या एग्जर्ट करेगी? इट एग्जर्ट प्रेशर. वो क्या एग्जर्ट करेगी? प्रेशर एग्जर्ट करेगी. ओके, तो स्टीम जो प्रोड्यूस होती है वो क्या एग्जर्ट करेगी? एग्जर्ट द प्रेशर. अब किसके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट होगा? टू द वॉल्स ऑफ द वेसल, वॉल्स ऑफ द वेसल. ठीक है, तो ये केस में अब स्टेट ऑफ वाटर इन द कंटेनर क्या हो गया? स्टेट ऑफ वाटर चेंज हो गया. स्टेट ऑफ वाटर क्या हो गया? फिर चेंज हो गया. जैसे ही हमने इसको कवर लगा दिया है तो क्या, या लीड लगाया है, ढक्कन लगाया है, तो क्या हो जाएगा, वो स्टीम अंदर ही रहेगी और स्टीम क्या एग्जर्ट करेगी? प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द वेसल. तो यहाँ पे जो है वो स्टेट ऑफ द वाटर इन द कंटेनर जो है वो चेंज हो जाएगा. दैट इज़ हियर द टेम्परेचर टी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम वी भी चेंज हो रहा है और प्रेशर पी भी चेंज हो रहा है. ठीक है, किसका? वाटर का, विच इज़ इनसाइड द वेसल. ठीक है, तो ये यहाँ तक समझ में आएगा, आया क्या आपको? तो दिस होल इट इज़ नोन एज थर्मोडाइनेमिक प्रोसेस. दिस इज़ नोन एज थर्मोडाइनेमिक
प्रोसेस। ठीक है, फिर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस समझ में आई तो सेम यही डेफिनेशन अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज़ अ प्रोसेस इन विच थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज चेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको कि जिसमें स्टेट चेंज होती है, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, ऐसा दीज आर द स्टेट्स। तो थर्मोडायनेमिक स्टेट्स ऑफ सिस्टम अगर चेंज होती है तो दैट इज़ नोन एज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज अ प्रोसेस इन विच थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज चेंज। और वही वेसल वाला और वाटर वाला एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है, अभी हमने देखा ही है उसको। तो अगर आपको इसका पे लिखना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप अपने हैंडराइटिंग में इसको लिखिएगा, यानी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस समझ में आई। अब ये यहाँ पे जो हीट तैयार हो गई है, तो हीट यानी क्या है वो देखेंगे पहले हम और बाद में जाएंगे। बहुत इजी है ये, हीट की तो डेफिनेशन बहुत बार आपकी हुई होगी, सिर्फ मैं रिकॉल कर रही हूँ कि हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज़ ट्रांसफर्ड बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स एनवायरमेंट। हीट क्या हो रही है? ट्रांसफ़र होती है सिस्टम एंड एनवायरमेंट। और ये ट्रांसफ़र क्यों हो रहा है? ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस दैट एग्जिस्ट बिटवीन द टू। अब टेम्परेचर डिफरेंस हमने देखा है कि हीट कैन बी ट्रांसफ़र फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ठीक है, अगर दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस है, कल ही यानी लास्ट लेक्चर में ही हमने ये एग्जाम्पल देखा था, आइस और आइस ऑफ पीस ऑफ आइस इन द वॉटर, इसका एग्जाम्पल देखा था। तो हायर टेम्परेचर से हीट कैसा ट्रांसफ़र होती है? टू द लोअर टेम्परेचर। तो हीट क्या है? हीट इज़ वन फॉर्म ऑफ, हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज़ ट्रांसफर्ड, किस में ट्रांसफ़र होती है? बिटवीन सिस्टम एंड एनवायरमेंट, सिस्टम से एनवायरमेंट में ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, जैसे मैंने बोला था कुछ दिन पहले कि दिस इज़ अ कप एंड इनसाइड द कप देर इज़ अ हॉट टी। ठीक है, और आपने दैट कप इज़ प्लेस इन ऑन द टेबल, कप को प्लेस कर दिया, टेबल पे रख दिया है। कुछ देर बाद क्या होता है? आफ्टर सम टाइम यू विल ऑब्जर्व दैट द टी इनसाइड द कप बिकम्स कोल्ड। व्हाई इट हैपन? बिकॉज देर इज़ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। अब कप में जो टी था उसका टेम्परेचर ज़्यादा था ना, तो हीट इज़ ट्रांसफर फ्रॉम टी टू सराउंडिंग, ऐसी ट्रांसफ़र हो गई है। तो दैट इज़ फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर। सो हियर वी राइट, हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज़ ट्रांसफर्ड बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस दैट एग्जिस्ट बिटवीन द टू। ठीक है, कप और सराउंडिंग के बीच में जो डिफरेंस था, एक कप में का जो टी था, चाय थी कप में, जो टी चाय थी वो हायर टेम्परेचर पे थी, और जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो कैसा था? लोअर था। ये टेम्परेचर डिफरेंस था, इसलिए हीट एक्सचेंज वहाँ पे हुई है फ्रॉम हायर टेम्परेचर से लेकर लोअर टेम्परेचर। ये कॉन्सेप्ट को आपको कभी भी भूलना नहीं है कि हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। अब हमको थोड़ा सा एक एग्जांपल देखना है, उसके बाद में हम थ्री कंडीशंस देखेंगे एनर्जी फ्लो जैसे कैसे होती है। एनर्जी फ्लो होती है सिस्टम में होती है, एनर्जी फ्लो फ्रॉम द सिस्टम से होती है। अब यहाँ पे एनर्जी कैसी फ्लो हो रही है? कप से बाहर जा रही है। ठीक है, यानी वी से दैट एनर्जी फ्लोस फ्रॉम द सिस्टम। यहाँ पे सिस्टम कौन है? ये कप और ये चाय है। ठीक है, तो एनर्जी फ्लोस फ्रॉम द सिस्टम। ओके, और अगर आपने सपोज़ कीजिए बहुत ठंडी है और आपने एक ग्लास में पानी रख दिया है, यहाँ पे ग्लास है और उसमें वाटर है। ठीक है, और ठंडी है और वाटर कैसा है? अब यहाँ पे वाटर कुछ देर बाद आप आ जाओगे, अब वाटर कैसे है? रूम टेम्परेचर का वाटर है और बाहर बहुत चिल्ड है, बहुत ठंडी है, कोल्ड एटमॉस्फियर है। तो आपको कुछ देर बाद क्या दिखाई देगा कि ये वाटर क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है, बहुत कोल्ड हो जाता है। तो यहाँ पे अब क्या हो रही है? हीट इज़ अगेन, हम क्या बोल सकते हैं कि हीट इज़ एक्सचेंज फ्रॉम सिस्टम टू द सराउंडिंग। ओके, तो हमको थोड़ा सा बेसिक अब देखना है। देखो, हम अब फिर से कंसिडर करेंगे, सपोज देर इज़ अ ग्लास विच इज़ फिल्ड विथ वाटर। यहाँ पे एक ग्लास कंसिडर करेंगे पानी से भरा हुआ, और वो कहाँ पे रखा है? एक टेबल पे रखा हुआ है। ठीक है, तो ये अब
टेम्परेचर सिस्टम का, सपोज़ ये सिस्टम है अपना, ये क्या बन गया है, सिस्टम। तो सपोज़ टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज़ TS, TS क्या है, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। ओके, अब टेबल पे हमने ग्लास को रखा है, ठीक है, और आजू बाजू में जो एनवायरनमेंट में रखा है, तो सपोज़ दिस इज़ द सराउंडिंग, और सराउंडिंग को क्या बोलेंगे, एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट, ठीक है। तो लेट TE is the temperature of the environment. TE क्या है, temperature of the environment है। तो अब हम देखेंगे कि जो system है और environment है, suppose both are not at the same temperature, दोनों का temperature change same नहीं है, ठीक है। तो जो TS system, यानी ये जो TS है, वो क्या करेगा, चेंज करेगा टेम्परेचर, जब तक दोनों में टेम्परेचर एक्सचेंज होगा, यानी हीट इज़ एक्सचेंज टिल द टेम्परेचर ऑफ बोथ द TS एंड TE आर इक्वल। कब तक हीट ट्रांसफ़र होगी, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा है कि हीट कब तक ट्रांसफ़र होती रहेगी, जब तक के दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं होता, ठीक है। तो सिस्टम और एनवायरनमेंट समझ में आया फिर क्या है, तो अब हम, ये है चेंज इन टेम्परेचर इज़ कॉज बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इंटरनल एनर्जी बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, ठीक है। ये चेंज तब तक रहेगा जब तक के दोनों भी TS और TE, TS क्या है, सिस्टम का टेम्परेचर और सराउंडिंग का, दैट इज़ एनवायरनमेंट का टेम्परेचर, जब तक के इक्वल नहीं होता तब तक के ये ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी चलती रहेगी, ठीक है। तो अब ये आपको एग्जांपल समझ में आया ना। अब हम देखेंगे कि जो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है, तो कंडीशंस क्या है फॉर द फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन द सिस्टम एंड द एनवायरनमेंट। क्या तीन कंडीशंस हमको देखनी है कि तीन कंडीशंस है टू फ्लो द एनर्जी बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो फर्स्ट कंडीशन है एनर्जी फ्लोज इनटू द सिस्टम। तो एनर्जी सपोज़ कीजिए ये एक वेसल है, इसमें वाटर है, तो एनर्जी फ्लोज इनटू द सिस्टम, ठीक है, ये है अपनी सिस्टम। ओके, फर्स्ट कंडीशन ऐसी है अपनी, एनर्जी फ्लोज इनटू द सिस्टम फ्रॉम द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में शॉर्ट लिखती हूँ, एनवायरनमेंट से सिस्टम में आ रही है। सेकंड कंडीशन है, ये हो गया फर्स्ट, सेकंड है एनर्जी फ्लोज फ्रॉम द सिस्टम, सिस्टम से फ्लो हो रही है, दिस इज सिस्टम, सिस्टम से फ्लो हो रही है। और थर्ड क्या है, बोथ आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, दैट इज़ देयर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, दोनों में कुछ भी ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी नहीं है, ठीक है। यहाँ ये तीन कंडीशन हमको वन बाय वन देखना है कि दीज आर द कंडीशंस फॉर द फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स एनवायरनमेंट। फ्लो ऑफ एनर्जी कैसे होती है सिस्टम और एनवायरनमेंट में, वो देखना है। फर्स्ट एनर्जी फ्लोज इनटू द सिस्टम, एनर्जी आती है, एनर्जी फ्लोज फ्रॉम द सिस्टम, एनर्जी जाती है, और बोथ आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, दैट इज देयर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होती है, ठीक है। तो जैसे हमने देखा है कि सपोज़ करेंगे TS इज़ द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, TE इज़ द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट, और जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है सपोज़ इट इज़ Q, Q इज़ द एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड द एनवायरनमेंट। ओके, तो चलो फर्स्ट देखेंगे अब एनर्जी फ्लोज इनटू द सिस्टम क्या है। एनर्जी फ्लोज इनटू द सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है, एनर्जी फ्लोज इनटू सिस्टम। अब यहाँ पे जो है टेम्परेचर जो है, मैं लगे तो यहाँ पे आपको निकाल के दिखाती हूँ कि सपोज़ ये अपनी सिस्टम है, दिस इज़ नोन एज सिस्टम हैविंग द टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर है सपोज़ TS इज़ द टेम्परेचर, और ये क्या है एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट हैविंग द टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर कितना है TE। ओके, तो अब एनर्जी यहाँ पे क्या है, हियर टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो जब ऐसा होता है, अगर सिस्टम का टेम्परेचर कम है एनवायरनमेंट से, तो वी सी दैट द एनर्जी, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज़ इट इज़ डिनोटेड बाय क्यू, क्यू इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, दैट इज़ अब कितनी एनर्जी अंदर आएगी, अमाउंट ऑफ एनर्जी क्यू इज़ ट्रांसफर्ड बिटवीन द सिस्टम एंड द एनवायरनमेंट, और दिस सिस्टम, ये सिस्टम क्या करेगी, गेन्स द एनर्जी, सिस्टम गेन्स
द एनर्जी, सिस्टम एनर्जी ले रही है, सिस्टम को एनर्जी मिलेगी फ्रॉम एनवायरनमेंट से, ठीक है, समझ में आया। अब सिस्टम को एनर्जी मिलेगी, सो दिस क्यू इज़ पॉजिटिव। क्यू कैसा होगा? पॉजिटिव, क्यू इज़ पॉजिटिव। क्यू क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ पॉजिटिव। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा कि अगर ये जो है एनवायरनमेंट और ये सिस्टम, आपको समझ में आया क्या क्या है? तो हीट इज़ ट्रांसफर, इसमें फिर से एक ही लॉ है, हीट इज़ ट्रांसफर फ्रॉम हॉट टेम्परेचर और हायर टेम्परेचर, सॉरी हॉट नहीं लिखते हैं, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो अब बाहर का टेम्परेचर कैसा है एनवायरनमेंट का? ग्रेटर है देन द सिस्टम, सो हीट इज़ ट्रांसफर फ्रॉम एनवायरनमेंट टू सिस्टम, दैट इज़ सिस्टम गेन्स द एनर्जी, सो क्यू बिकम्स पॉजिटिव। क्यू क्या है यहाँ पे? पॉजिटिव है, ठीक है, समझ में आया। क्यू कैसा है? पॉजिटिव है, दैट इज़ क्यू इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, सॉरी ग्रेटर दैन ज़ीरो, ओके। क्यू क्या है? इट इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, पॉजिटिव है ना, तो क्यू इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, ठीक है, समझ में आया। फिर तो यही यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज़ लेस दैन दैट ऑफ द एनवायरनमेंट, सिस्टम का टेम्परेचर लेस है एनवायरनमेंट से, द एनर्जी फ्लोज इनटू द सिस्टम एज शोन इन द फिगर, ठीक है, एनर्जी फ्लो होती है, दिस इज़ एनर्जी फ्लो, एनर्जी लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे, ये एरो में क्या हो रही है? एनर्जी फ्लो हो रही है, ठीक है, फ्रॉम एनवायरनमेंट टू सिस्टम, दैट इज़ यहाँ पे क्या हो गया है कि सिस्टम गेन्स एनर्जी एंड सो क्यू इज़ पॉजिटिव, दैट इज़ क्यू इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। ये यहाँ से याद रखना है आपको, दैट इज़ क्यू इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, ईजी है ना, ठीक है। तो यहाँ ये फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आया, एनर्जी फ्लोज इन टू द सिस्टम, क्यू इज़ पॉजिटिव, दैट इज़ क्यू इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, और फ्लो क्यों हो रहा है? बिकॉज सिस्टम का टेम्परेचर ये लेस है दैन द एनवायरमेंट, ओके। सेकेंड पॉइंट को देखेंगे, एनर्जी फ्लोज फ्रॉम द सिस्टम, एनर्जी फ्लोज फ्रॉम द सिस्टम। अब एनर्जी फ्लो क्यों होगी? तो यहाँ पे अगेन हम कंसिडर करेंगे, दिस इज सिस्टम हैविंग द टेम्परेचर टी एस एंड दिस इज एनवायरमेंट हैविंग द टेम्परेचर टी ई, ठीक है। तो हियर द सिस्टम का जो टेम्परेचर है इट इज़ ग्रेटर दैन द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरमेंट, ठीक है। अब अगेन इट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम हायर टू लोअर, तो हायर कौन है? अब सिस्टम हायर है, तो हीट कैसे ट्रांसफर होगी? फ्रॉम सिस्टम टू एनवायरमेंट, एनवायरमेंट से सिस्टम हीट ट्रांसफर होगी, सॉरी सिस्टम से ट्रांसफ़र होगी हीट इनटू द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है? सिस्टम लॉस हो रहा है, सिस्टम का लॉस हो रहा है एनर्जी का, दैट इज़ वी से दैट देर इज़ लॉस ऑफ एनर्जी, सो हियर क्यू जो है क्यू इज़ निगेटिव। क्यू क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी, बिकॉज ये सिस्टम दे रही है ना, लॉस कर रही है एनर्जी का, देर इज़ लॉस ऑफ एनर्जी, सो क्यू इज़ निगेटिव, एंड क्यू निगेटिव दैट इज़ क्यू इज़ लेस दैन ज़ीरो, समझ में आया। तो यहाँ पे किसका टेम्परेचर ज़्यादा है? सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा है, एनवायरनमेंट का कैसा है टेम्परेचर? कम है, तो हीट ट्रांसफर फ्रॉम हायर टू लोअर, तो सिस्टम इसीलिए दे रही है टेम्परेचर, हीट दे रही है, एनर्जी ट्रांसफर कर रही है फ्रॉम सिस्टम टू एनवायरनमेंट, सो अब दे रही है, दैट इज़ देर इज़ लॉस है, सो क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ क्यू कैसा होगा? निगेटिव होगा, और क्यू दैट इज़ क्यू इज़ लेस दैन ज़ीरो। तो ये कंडीशन याद रखिएगा, टी एस इज़ ग्रेटर दैन टी ई, ओके। तो यहाँ पे लिखा है मैंने, टी एस इज़ ग्रेटर दैन टी ई, द सिस्टम लॉसेस एनर्जी, दैट इज़ एनर्जी फ्लोज फ्रॉम सिस्टम इन टू द एनवायरनमेंट, सिस्टम से एनवायरनमेंट को आ रही है ये एनर्जी, ठीक है, ऊपर लिखा ही है एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे आपको वही मैंने डायग्राम निकाली है, वही यहाँ पे दिख रही है आपको। इन दिस केस क्यू क्या है? निगेटिव है, दैट इज़ क्यू इज़ लेस दैन ज़ीरो, इसको याद रखना है, ठीक है। तो ये समझ में आया। अब थर्ड देखेंगे, देर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। नो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी कब पॉसिबल रहता है? कि व्हेन
both the system, suppose again this is our system having the temperature TS, TS temperature है, TE is the environment, ठीक है। तो अब दोनों का भी temperature अगर same है, TS is equal to TE, that is we say that temperature कैसा है दोनों का, same है, that is we say that both are in thermal equilibrium। हमने पहला ही टॉपिक देखा है ये, both are in thermal equilibrium। अब थर्मल इक्विलिब्रियम पे है तो क्या है, यानी दोनों का अब एक्सचेंज होने का सवाल ही नहीं, दोनों ही सेम टेम्परेचर पे है, देर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ हीट और देर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, ऐसा बोल सकेंगे, बोलते हैं देर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, दैट इज़ हियर क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। क्यों? बिकॉज देर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, ओके, यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, ठीक है। क्यों? टी एस इज इक्वल टू टी ई, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है। तो यहाँ ये समझ में आया क्या आपको? तो अब हम देखेंगे यहाँ पे दो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी में ऐसे लिखा है कि फॉर टी एस इज इक्वल टू टी ई, दैट इज़ टी एस इज इक्वल टू टी ई, द सिस्टम एंड द एनवायरमेंट आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम एंड देर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, दैट इज़ क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। वही डायग्राम है आपको, तो इजी है ना, समझ में आया आपको? तो यहाँ पे आपने देखा है कि वी कैन ईजीली डिस्टिंग्विश बिटवीन द थ्री केसेस। अगर फर्स्ट केस था अपना, फर्स्ट यहाँ पे मैं लिखती हूँ, फर्स्ट केस में क्या था, टी एस जो था वो लेस देन टी ई था, सेकंड में टी एस इज़ ग्रेटर देन टी ई था, और थर्ड में टी एस इज इक्वल टू टी ई है, ठीक है। फर्स्ट में क्यू जो था वो कैसा था, पॉजिटिव था, सो क्यू इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, सेकंड में क्यू निगेटिव था, क्यू इज़ लेस देन ज़ीरो, और थर्ड में क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको ऐसा याद रखना है, यानी ईजी जाएगा आपको, ठीक है। तो समझ में आया, यही सब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके, आप अपने हैंडराइटिंग में इसको लिखिएगा, ठीक है। फिर तो आज बहुत सारा हमने, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है थर्मोडायनामिक्स का, हमने सब लिखा है, आपको ये याद रखना है, व्हेन एनर्जी इज़ ट्रांसफर टू द सिस्टम फ्रॉम इट्स सराउंडिंग देन इट इज़ पॉजिटिव। सिस्टम से अगर सराउंडिंग को ट्रांसफ़र हो रही है देन इट इज़ पॉजिटिव, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। और यहाँ पे सिस्टम को आ रही है ना, तो सिस्टम यहाँ पे क्या कर रही है, इट गेन्स द एनर्जी, दैट इज़ इट एब्सॉर्ब्स द एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि अगर एनर्जी क्या हो रही है, एनर्जी इज़ ट्रांसफ़र टू अ सिस्टम, सिस्टम को ट्रांसफ़र हो रही है तो फ्रॉम द एनवायरनमेंट, देन क्यू कैसा है अपना, क्यू इज़ पॉजिटिव, एंड वी से दैट सिस्टम गेन्स द एनर्जी, गेन्स कर रही है और एब्सॉर्ब कर रही है एनर्जी को। सेकंड में हमने देखा था कि अगर एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सिस्टम टू द एनवायरनमेंट देन क्यू कैसा है, निगेटिव है, क्यू निगेटिव है यानी क्यू इज़ लेस देन ज़ीरो, यहाँ पे क्यू इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, आपको ये सब याद रखना है। देयरफॉर सिस्टम करेगी ये, सिस्टम लॉसेस द एनर्जी और रिलीजेस भी बोल सकते हो, सिस्टम लॉसेस एनर्जी और रिलीजेस एनर्जी, ठीक है, समझ में आया। फिर तो यही सब मैंने लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको आप अच्छे से करो तभी आगे का बहुत इजीली आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आज के दिन इतना ही, यहाँ पे स्टॉप करते हैं, अगली बार फिर से मिलेंगे, तो देखना है न्यू टॉपिक चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, तो उसको देखना है, ठीक है। फिर अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे, तब तक के आप इसको राइट करिएगा, फिर से रीड करिएगा, ओके, ठीक है। फिर बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।